हेडिंग डालो साइंस, विज्ञान विज्ञान का लिख लो फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर कर लूंगी। वो है रासायनिक दीदी, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया आज हम बस पढ़ेंगे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। क्या ये मैम भी पढ़ाई थी, मैंने बताया आज भी, मैंने खाली बस यही पढ़ाया, मैंने भी बताया था, पर रासायनिक भूल ही गई थी, भौतिक का गलत बताया था। भौतिक का यही होता है, क्या कहते हैं ये कागज का जमीन, भौतिक होता है रासायनिक होता है। यही सेम तुम्हारी क्लास में भी, इनके क्लास में भी। अब देखो दीदी, अब करा के बंद कर लो, लिखना बंद करो, जब बोलूंगी कुछ नहीं लिखा भी बंद कर दो, रासायनिक भौतिक कुछ नहीं। अब देखो कोई कोई भी फल है, मान लो सेब है, ठीक है सेब है, और सेब है उसको मैंने ना आधा आधा काट दिया, ठीक है आधा आधा काट दिया मैंने, तो ये हो जाएगा भौतिक। कौन सा है भौतिक? भौतिक तुम भौतिक मैं भौतिक भौतिक ही रासायनिक। सुमन ने बोला रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक भी हो सकते हैं, भौतिक है जूस भी रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन रासायनिक है दीदी, भौतिक कटना है ना, ये कटना क्योंकि इसको काट दिए तो अभी है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, चेंज हो जाएगा और उसको वापस हम वही चीज नहीं पा सकते, जैसे पेज है, पेज को मैंने फाड़ दिया तो पेज ही रहेगा ना, उसको हम चिपका सकते हैं किसी भी चीज, पेज ही मिलेगा भले इतना छोटा टुकड़ा मिले, मगर वो तो पेज ही रहेगा ना, वो भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, जो तुम्हें सेम टू सेम मिल जाए वापस वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। अच्छा बताओ दीदी, रोटी का नहीं आटा का होना, मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, मुंह एकदम बंद, मोमबत्ती है, ठीक है मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती यहाँ पे लिख रही हूँ, जलना, मोमबत्ती का जलना, का जलना, जरा बताइए क्या है भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक है रासायनिक, इससे पहले से भौतिक, तुम्हारे लिए भौतिक रासायनिक, मोमबत्ती का जलना, वो जलते जलते क्या होगा, पिघलेगा तो दिमाग लगा ना, ये सब तुम नाइन्थ में पढ़ चुके हो और ये भी पढ़ चुकी हो। दीदी भौतिक दीदी, क्योंकि मोमबत्ती पिघल के दोबारा मोमबत्ती तो बनेगा है ना, गलती कहेंगे दिमाग सही लगा, बोल सही रहती और बता गलत रही है दीदी, मोमबत्ती तो मोमबत्ती रहे, मोमबत्ती का जलना रासायनिक है क्योंकि जल रहा है, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जब जलना लिख देगा, मैम ने कराया था भौतिक है तो यार मतलब पिघलेगा तो वही रहेगा ना, मुझे भी यही लगा, मतलब उसने बोला तुम भी बोल दोगी, जब मैं तो इसकी मैम ने कराया सही बात, सुनो ट्रिक बता रही, कोई भी चीज के पीछे जब जलना लिखा होगा ना तो वो टिक मार देना रासायनिक है, ठीक है, क्योंकि जब जलने पर क्या होगा इसके रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, पीला जलेगा नीला दिखाई देगा, नीला चीज वो जल जाएगा गायब हो जाएगा वो तो, है ना, इसकी जो इसके अंदर जो धागा होगा वो जल जल के क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो इसीलिए कोई भी चीज जब जलना दे देगा तो क्या लिखोगे, रासायनिक, रासायनिक, ठीक है। अब देखो मोमबत्ती का पिघलना, मैं पिघलना लिखा होगा मैम ने बता रही, जलना अब रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक होगा, वही तो हो जाएगा पिघल के वही तो बनेगा, मैं बताऊं मेरा भी भौतिक होगा, भौतिक ही है, भौतिक ही मेरा भी भौतिक, तू अलग हो हट गए लिखने वाला आराम से करना, तो मोमबत्ती जब पिघलेगा, ठीक है पिघलना हमेशा किस में रहेगा, भौतिक, एक चीज बोलूं आपने उसकी मैडम में पिघलना लिखा होगा पीछे, आप बता दे दीजिएगा,
कौन ये कहीं तो भौतिक भौतिक अलग अलग बताए जाए पिघलना भौतिक होता जलना रासायनिक हाँ याद रखना अभी जानते हो पेपर में आ जाता है बच्चे सिर्फ मोमबत्ती याद रखते हैं कागज का जलना हो जाएगा वो क्या होता है रासायनिक रासायनिक टिक लगा ये नहीं देखते कि उसमें भौतिक में टिक लगाना क्या लिखना है कागज का जलना रासायनिक हो जाएगा हाँ जलना रासायनिक हो जाएगा कागज का फटना मैंने ना सेब को काटा ये काट के तुम्हारे आगे थाली में पड़ोस दिया वो भौतिक हो गया आप भौतिक प्लेट लगा दूंगी और दूंगी तो एक एक से पूछो दीदी बताओ ये क्या है इसका इसे हमने फुला दिया ठीक है तो इसमें भौतिक परिवर्तन ये कहलाएगा या रासायनिक भौतिक 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 और मोमबत्ती लगा के यहाँ से जला दिया हाँ तो रासायनिक रासायनिक क्यों फट गया ना फट जाएगा जल जाएगा ना लगा दो रासायनिक गायब हो जाएगा ठीक है सिलेंडर लगा दो और आगे नहीं कहेंगे अब लिखो भौतिक परिवर्तन पॉइंट वन डालो और लिखो भौतिक परिवर्तन कल्टैश तुम चुपचाप लिखो कल्टैश भौतिक परिवर्तन एक चीज बोलो दीदी दीदी दिया बिकॉज आई एम ऑलवेज टीचर ठीक है भौतिक संयोजन और वियोजन मुझे पता है अभी क्या पढ़ रहे हैं रासायनिक परिवर्तन संयोजन पे कहां से जाती है चलो जैसे डेफिनेशन बता दो इसका भौतिक परिवर्तन क्या होता है भौतिक परिवर्तन वो होता है जो दोबारा से वो चीज बन जाए दोबारा नहीं उदाहरण बता दे उदाहरण तो मेरे पास होता है इसका जैसे कागज फाड़ दिया कागज हम चिपका देंगे वही चीज मिलेगी ना हमें दोबारा परिवर्तन जैसे किसी चीज में परिवर्तन जैसे आप देखो अभी कितने हंस हंस के बात कर रहे थे आप देखो कितने उसमें आ गए भौतिक होता है जो हमें दोबारा प्राप्त हो जाए अच्छा आटा आटा गूंदा ठीक है गोला बना दिया उसमें मैंने मुक्का मारा ठीक है तो वो क्या होगा भौतिक हो गया या रासायनिक भौतिक फिर वापस जब मारूंगी ना फिर वापस वो उठ जाएगा साइकिल पे जब बंदा बैठता है तो उसके पीछे वो जो ब्लैक कलर का होता है उसे बैठते है वो पिचक जाता है फिरतेगा वो फूल जाएगा वो कौन सा भौतिक ठीक है जो वो फिर से वो उसी में हो गया चेंज हो गया अब उसी में आग लगा दूंगी तो रासायनिक हो जाएगा तुम लोग तो बताए नहीं मुझे बताई तो दीदी आपने भी तो बाहर नहीं बताया मैं बस तू जो एक बार साइकिल लेके दीदी मैंने बोला था डेफिनेशन बताओ भौतिक तुम्हारे इसमें दिखा रहा तुमने क्या लिख के लाई थी अच्छा जरा देखो भौतिक भौतिक परिवर्तन वह है जो जो बस जो इतना गंदा लिख रहा है डेफिनेशन भौतिक परिवर्तन वस्तु के पदार्थ वस्तु नहीं बदलते दीदी अभी वस्तु के आकार वस्तु के आकार में परिवर्तन पहले बोल दिया चिल्लाना नहीं है वस्तु के आकार और छोटे बच्चे हो बोल दिया और अकाल और अवस्था में नंद कराते हैं अवस्था में अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन आना परिवर्तन को परिवर्तन को भौतिक रासायनिक को भौतिक परिवर्तन दीदी मुझे दिख नहीं रहा कहते हैं चश्मा लगाओ फिर अरे आप खड़ी हो ना उदाहरण भी दे रहे अभी ने पहले लिख लिया श्रम अच्छा कर लिया मैम से आप एक्स्ट्रा चलोगी आपसे एक्स्ट्रा मैं चलूंगी ना ये है ना हो गया अब उदाहरण में क्या लिखे मैं बोलने को ना कहूँ दीदी मोमबत्ती का जलना मेरे से एक्स्ट्रा चलना है तो क्या करोगे
मैं ना भी बोलूँ याद करके आना, याद करके आती दीदी, मैं भी करके आती हूँ दीदी। कह रही है ना, क्या बोलते हैं ना, कागज का जलना, इसमें उदाहरण मोमबत्ती का पिघलना फिर भी भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा एक तरह। जब उसमें आग लगेगी तभी तो पिघलेगा। दादी को बता दिए, दोनों परिवर्तन उसमें होता है। पिघलना होता है बेटा। चलो पहला बताओ, बर्फ का पिघलना, कागज का, बर्फ का, कागज का फटना, पिघलना। अच्छा बताओ पिघलना क्यों आया भौतिक? मैं बताऊँ पिघलना क्योंकि ये भौतिक का मोमबत्ती, पिघलना क्यों हमें भौतिक में हम दे रहे हैं? भौतिक भौतिक क्या पिघल, बर्फ के पिघलने को हम भौतिक में क्यों लिख रहे हैं? क्यों दीदी? क्योंकि वो फिर से दोबारा वो बर्फ बन सकता है। दीदी वो पिघल गए पानी, हमें पिघल गया बर्फ है, तो फिर उसी शेप में तो आ जाएगा जब फ्रिज में रख देंगे। जब मेरा क्यों बर्फ, बर्फ तो पिघल जाएगा फिर उसे, फिर भी हम उसे बर्फ बना सकते हैं दोबारा। ये सबसे मूर्ख लड़की है, यही है, यही है। ऐसे बोला पेपर में कहना बगल वाले ने जब लिखा है, वही लड़की है मेरी, यही है। मैम ने पूछा ना रासायनिक का परिवर्तन, उसने सही बताया। मैम ने बोला ना, बात तो नहीं हो मेरी, मैम ने बोला कुछ यही बोला। ये तो देखो बड़ा तुमने बात अच्छे से, और नहीं निकलना इसमें। अभी लिखो 3-4 में लिख लो कम से कम, तो फिर 5 नंबर कौन अच्छे है? दूसरा लिखो इसी में, कागज का फटना लिख लो, कागज का फटना। देखो कल कितने अच्छे नंबर लेके आऊंगे ना आप भी, और वगैरह तुम लिख लोगे ठीक है। अब इसका लिखो भौतिक परिवर्तन के नेक्स्ट पॉइंट, वो ऐसे लिखना, पॉइंट ऐसे लगा के ऐसे गोला कर देना। ऐसे जो उदाहरण राइटिंग में लिख रही, उदाहरण के एक लाइन बाद ऐसे पॉइंट डालो और लिखो। दीदी आप फिर रासायनिक कराओगी ना? भौतिक परिवर्तन के गुण, बीच बीच में ना बोलो मत, वरना थप्पड़ मार दूँ। भौतिक परिवर्तन के गुण, पहला गुण बताओ आरती। क्या चीज? भौतिक परिवर्तन का पहला गुण। गुण का मतलब क्या होता है? उसकी खासियत। खासियत दीदी क्या? दीदी बताओ, यह भौतिक परिवर्तन रहता था दीदी की, कहते थे हमने वो उस चीज़ को यूज कर ली, फिर वो दोबारा से बन सकता है वो चीज़। जैसे कि हमने बर्फ बनाया, फिर वो पानी बन गया, फिर दोबारा वो बर्फ बन गया, मतलब उसे गुण हुआ। तो ये लिखो बर्फ पर पिघल गया, पिघल वह वस्तु जो अपनी अवस्था से दोबारा उसी अवस्था में आ जाए, अस्थायी होना। देख लेना सही लिखा है ना, अस्थाई गलत लग रहा है मुझे, अस्थाई ठीक है ना, सही थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अस्थाई होना क्यों? मतलब ना, मतलब जैसे कागज हुआ हमने उसको जला दिया, राख बन जाएगा, राख को और तुम कुछ चीज में बदल सकते हो तो राख स्थाई रह जाएगा है ना, लेकिन ये अस्थाई, मतलब जो दोबारा बनने को अस्थाई और जो एक बार में ही खत्म स्थाई। हाँ इसीलिए हमने उसको वो चीज कहा, अभी ये सड़ जाएगा तो अस्थाई है ना, स्थाई नहीं कि एक चीज एप्पल है, एप्पल हमेशा के लिए वो सड़ेगा गलेगा, तो इसलिए वो अस्थाई है। नहीं जैसे कागज है उसमें क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन होने के बाद वो क्या रह जाता है? स्थाई। स्थाई जैसे राख है, राख किसी चीज में बदल सकती हो, कागज में बदल सकती हो नहीं, वो स्थाई रह गया। लेकिन ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, अस्थाई। याद रखो। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखो जो डेफिनेशन गधियों तुमने लिखा उसी में से बताओ ना दीदी। कागज आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, थोड़ा भी दिमाग मत लगा देना अपना, अवस्था में परिवर्तन। आकार में होगा दीदी, अवस्था में भी तो होगा, अवस्था में परिवर्तन। थॉट लिख लो, अवस्था में परिवर्तन, शक्ल से चेंज होना। सही बोल रही है, अवस्था में परिवर्तन हो गया। दीदी बहन, बताओ बताओ कह रही है दीदी बहन, मैं बोले दीदी बहन
दीदी आप दीदी गा रही है आवाज नहीं निकले होता है मुझे समझ रहे मुँह बंद करके आप फिर अब सेकंड लिखो रासायनिक पॉइंट में गोलम ना के नहीं 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 रासायनिक परिवर्तन मैं बता दूं दीदी इसका वो पहले मैं अपने थोड़ा सा ना मुंह बंद करके रखो आरती टेल मी द डेफिनेशन जल्दी बता दीजिए रासायनिक परिवर्तन बताएगी तो वही दस क्यों मिनट हाँ दीदी आगे मुद्दे पे हाँ दीदी का उदाहरण के उदाहरण डेफिनेशन परिभाषा वह वस्तु जो अपनी अवस्था से और कोई अवस्था में मतलब नष्ट हो जाए मतलब तुम मुझे डेफिनेशन बताओगे मुझे लगेगा उदाहरण दे थप्पड़ मार दूंगी दीदी मैंने तो डेफिनेशन दिया है तुमने थोड़ा ठीक ठाक दिया वह वस्तु जो अपनी एक बार आगे लगे दीदी सॉरी मैं बता रही है हंसी मजाक नहीं चल रहे मैं जैसे ही बोलूंगी पहले लोग को हंसी आएगी बोल दो ना हंसने से क्या फर्क पड़ता है फिर मैं भी जाऊंगी लोग हंसेंगे फिर आप मेरे को मत मारना मतलब हंसने से डरती हो तुम हैं नहीं आप मार दोगे यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना वह वस्तु जो मेरी ताकत में आग लग गया मैं बात सुनो मैं यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी ये नहीं सोचू कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मुझे कोई चीज मालूम नहीं आती और तुम्हें क्या पता वो आता हो तो मैं सीख जाऊंगी उसमें बुरा बात क्या है वह वस्तु जो एक बार आग लग जाए फिर दोबारा राग बन जाए आग लग जाए तुम बता रासायनिक वह परिवर्तन है जो नहीं परिवर्तन है जो पदार्थ बदल जाते हैं दीदी रासायनिक रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो जैसे सब रासायनिक बाद में लिखना दीदी सुनना सॉरी दीदी जैसे किसी चीज रासायनिक बता लिया रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें जिसकी जिस वस्तु की अवस्था में मूल अवस्था में परिवर्तन आ जाए मूल अवस्था क्या होता है मूल अवस्था जी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज इम्पोर्टेंट के रंग में गंध में परिवर्तन आ जाए उसे रासायनिक परिवर्तन सब्जी महक गई तो रासायनिक परिवर्तन है चलो बोलो देखो वह वस्तु परिवर्तन लैंग्वेज पदार्थ वह पदार्थ जिसकी वस्तु मेरे को ना वस्तु हिंदी में सही लगते है पदार्थ इसमें से लिखो चुपचाप मुंह बंद कर दीजिए वह पदार्थ जिसकी मूल अवस्था में यहाँ लिखना अवस्था के बाद यहाँ ब्रैकेट डालो और इसमें लिखो रंग गंध आकार अवस्था में अब देखो उसमें क्या था भौतिक से भी इसको रिलेट करके चलो ठीक है भौतिक में क्या था सिर्फ आकार में परिवर्तन हो रहा था है ना अवस्था में इसमें रंग गंध भी ऐड हो जाएगा तो इसलिए इसमें आकार और अवस्था भी लिखो क्योंकि इसमें आकार अवस्था में भी तो परिवर्तन होगा ना इसलिए आकार अवस्था नहीं अपने यहाँ पे भी लिख दिया अवस्था मैंने अभी समझाया गया उसका इसमें भी आ जाएगा लेकिन इसमें आकार के बाद भी आपने कुछ लिखा है आकार अवस्था ब्रैकेट बंद में परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन ये सपना कहाँ गई बेटा भेज दूंगी बाहर दीदी कल वाई वाल ले लेना चलो अंदर दीदी रासायनिक परिवर्तन अब यहाँ पे जल्दी जल्दी उदाहरण अपने दिमाग में सोचो एक एक से पूछो मैं बता मैं अपने दिमाग में सोचो रखो दो दिन मोमबत्ती का दे देना चिखवा दिया मैंने तो
तुम्हारी लत थोड़ी करना, मैं दो मिनट में निकाल दूंगी, सोच लेना। बहुत ज्यादा बोलने लगे तुम लोग, सब पे चढ़ते जा रहे हो। भारत में आ गया, टीओ खा गई है। हाँ मैं सोची टीवी को खा गई। तो बताइए होगा तुम्हारा जिंजर कहाँ गया है? जिंजर कहाँ गया? गार्लिक कहाँ है? ब्रिंजल कहाँ है? कुकुम्बर याद है? कुतुब मीनार के पीछे खाने को दे दो ना एक टोकरा पेट के अंदर, और याद करने को सब बाहर हो जाता है। सी यू सी यू एम बी ई आर कुकुम्बर, कुकुम्बर में सी यू सी यू एम बी ई आर। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। तुम बोलो सब्जी का बन जाना। हाँ ये बोल रही थप्पड़ मारेंगे, अलग अलग बताओ। मैंने अलग बताया, बोला ही दीदी। दीदी मैं दो बताओ लेना मोमबत्ती का जलना, लिख लो कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, रोटी का पकना, अच्छा लकड़ी का काटना आरती। मैं पहले उठा के बाहर माना मैं आरती। दीदी आती है, मोमबत्ती की बोलती दीदी। दीदी अच्छा लकड़ी का जलना बहन है उसको नहीं पता, लकड़ी का जलना होगा रसायनी। चलो इतना तो बुद्धि आ गया। चलो अभी कोई भूल मत जाना रासायनिक और भौतिक में अंतर। रुक जाओ कागज का जाना दूसरा क्या बताइए। यहाँ लिख लो रासायनिक सब्जी का रोटी का पकना। फालतू में तुम लोग बोलोगे ना मैं मारूंगी डायरेक्ट। ये लो मेरी कॉपी। हाँ दिखा लो वो देखने बोर्ड पे रासायनिक देखना अच्छे दिखा रही है कि कितना अच्छा राइटिंग है। राइटिंग मेरे लिए इतनी अच्छी से दिखा हुआ दिखा रही है। इम्पोर्टेंट लिखा थी, इम्पोर्टेंट किस वाली का होती है तुम लोग? और किसने क्या अच्छा रोटी का पकाना था बहुत मार। आई बना दो फिर काम का था। लिख ली उदाहरण। हाँ सब्जी का सड़ना भी लिख दे रही मैं। सब्जी का सामना है जो भी करना है जल्दी करो। रासायनिक परिवर्तन के गुण। सब्जी का सड़ा ना मुंह कम चलाओ हाथ ज्यादा हो गया। हाथ ही तो चल रहा था दीदी, मुंह भी चल रहा है हो गया। पहला बताओ क्या थी निदान? हाँ गुण बताओ रासायनिक परिवर्तन के गुण। गुण क्या तो बताओ क्या बोलते दीदी? रंग में, रंग में परिवर्तन। मैं बताऊं? नहीं रुक जाओ। गंध में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अब तो मैं बता जाती गंध में परिवर्तन। परिवर्तन दूसरा सुमन। गंध में परिवर्तन, गंध में खुशबू जो भी होता है। दीदी एक बार अवसथा में परिवर्तन। अवसथा में परिवर्तन, गंध में आकार में परिवर्तन। चौथा पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो यह कभी किसका कांग है दीदी? अवस्था अपनी अवस्था में नहीं बदलता, अरे बदलता मूल अवस्था में अवस्था में व्हाइट कवर नीचे से कुछ
सारी दे रही हूँ। अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता। अगर कागज जल गया तो वापस आ जाएगा कागज? नहीं। लकड़ी जल गया तो आएगा? नहीं। कोयला बन जाएगा, कोयले भी तो काम आएगा फिर, तो वो लकड़ी बन जाएगा? नहीं, लकड़ी तो नहीं बन। मार दूंगी जो बोलती हूँ। जाने में हुआ या नहीं हुआ? भंग में, असंग में। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी ना, जिससे पूछूंगी बस वही मुंह खोलना। पानी जो है ना, वाष्प बन के उड़ गया, भौतिक है या रासायनिक? पानी है वो भाप बन के आसमान में उड़ गया। रासायनिक है या भौतिक? दीदी बताओ। भौतिक। पक्का? अरे से बोलने दे, इसे पूछ लो ना पहले। मैं उसे पूछा है ना, रासायनिक है या भौतिक? टेल मी। नहीं, रासायनिक होगा। इधर उधर जा, नहीं आपकी भौतिक होगा। काट दूंगी, सुन ले। पानी बस वो तो पानी बारिश हो रहा है, तो वही तो मेरी रासायनिक होगा। रासायनिक हो रही थी, बेवकूफ लड़की। क्या कह रही है? वही तो कह रही थी रासायनिक होएगा। अभी भी रासायनिक बोलिए, फेंक जा। नदी भौतिक होगा, वापस पानी ही आएगा ना। दीदी जिसे पूछे मार दो। नीचे से नदी से भाप बना, बादल बन गया। बादल से क्या आग निकलता है? मुझे लगता है आग निकलता है। नहीं, तभी रासायनिक हो गया। दीदी क्या कह रही है ना, ऐसा मारो ना कि घर जाने लायक लायक ना। सब्जी का काट के सलाद बना देना, ये भौतिक है? पक्का? आरती, दूध से दही जमना। दूध से दही जमना, दही जमना, दूध से दही। दीदी बहुत ही किया। मैं बता रसायनिक। मैं बता दीदी। हां मैं बता। दूध तो दही, दूध नहीं बन जाएगा। अब बता दीजिए, अब दही जमा दी तुम्हारी मम्मी ने, मेहमान आ गए, बोले चाय पिलाओ, तो दही से दूध में परिवर्तन। नेक्स्ट पेज पे। हां, कोयले का निर्माण, कोयले का निर्माण किस प्रकार होता है? लकड़ी का जलने के बाद कोयले का निर्माण होता है। कल लिख कर लाना, फिर बताती हूँ। कोयले का निर्माण किस प्रकार होता है? दीदी मैं बताऊँ। दीदी जब लकड़ी जल जाती है तो कोयले का निर्माण हो जाता है। वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इसी में लिख लो दीदी। पेट्रोल। दीदी इसके नीचे लिख लो। पेट्रोलियम का या पेट्रोल का निर्माण? मैं एक चीज पूछूंगी और भी वो है इम्पोर्टेंट मेरे। किस प्रकार होता है? नहीं पता। किस प्रकार होता है? वर्णन कीजिए। वर्णन क्या देंगे? समझाइए। ये वर्णन मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तुम अच्छे से घर से लिख के लाना। देखो कोयला कैसे बनता है, लाखों हजारों साल पहले जब भूकंप वगैरह आता है ना, तो उसे दब के जो जीव मर जाते हैं उनसे क्या बनता है? कोयला। और जब समुद्र में जहाँ पे जल वगैरह है, जल वगैरह में सुनामी या भूकंप आया जल में, ठीक है, समुद्र वगैरह में, उसके जो जीव जंतु है ना पानी के अंदर रहने वाले, वो क्या दब जाते हैं? दब के मर जाते हैं। तो लाखों हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? पेट्रोल। वो लिक्विड बन जाता है। फिर भी तो भूल है ना, लकड़ी से जल के बनता है। मुझे पेट्रोल वाला समझ नहीं आया। ये दीदी पेट्रोल ना बड़ा महंगा है। पेट्रोलियम जो होता है ना, जैसे समुद्र में बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, हम कैसे मरेंगे? भूकंप आएगा तो दब जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे कोयला बनेगा, करोड़ों साल बाद कोई हमें क्या करेगा, खोदेगा तो कोयला हम बन के निकलेंगे। उसी तरह जो मछलियाँ होती है, मछली जो समुद्र से भूकंप आएगा तो मछलियाँ दब जाएंगी, जो उनका ना पेट्रोल बन के निकलेगा। हजारों साल में जब खोद देंगे तो जमीन पर, समझ आया? दीदी खोदेंगे जब निकलेगा पेट्रोल, तो अपने आप निकल जाएगा। लो जी हमें निकाल दो, टूटी लगा रहेगा, तो टूटी चालू कर दे तो पेट्रोल निकल लेना, ठीक है। ये अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख के लाना। और ये तुम्हारे 9th क्लास में था। अब मैं एक चीज पूछूं, पूछ सकती प्लीज? मैं कह रही हूँ जैसे कि आपने कल टेस्ट ले भी लिया, तो ये भी क्वेश्चन दे दूँ? कुछ भी दे दूंगी मैं। पढ़ा कौन रहा है? तो मेरे ऊपर डिपेंड करते मैं क्या क्वेश्चन बोल के आ रही है। कुकुम्बर में खीरा खाई लो, और बाबा बेचते रहो।
मेरी माँ भी इस पे खींच क्यों ना थोड़ी वाला काम करती है, एक हफ्ते अच्छी चलेगी दूसरे हफ्ते पागल हो जाएगी, फिर एक हफ्ते अच्छी चलेगी फिर दूसरे हफ्ते पागल हो जाएगी। ज्यादा पढ़ाई हो गया था उस दिन, ज्यादा पढ़ाई कर दिया था ना इसका। सॉरी बहन पीछे फिर से शुरू से सुना और तेज तेज बोल और तेज। हाँ किस बात की अच्छी आ रही है? बार बार हाँ और तेज चिल्ला के बोल एकदम, क्या तेज चिल्ला तेरी मम्मी सुनाई दे। हाँ क्या मेरी बेटी पढ़ रही है? 2 5 से कहाँ गया? 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 9 जा 18 19 2 10 जा 20 सुना फिर से। बोली थी दीदी है फिर से सुना दीदी। 2 6 जा 8 कहाँ खा जा रही बाबा? हाँ 3 का स्टार्ट हो जाए। 3 बोलेगी याद करके आएगी दीदी। आप बाबा बोल इधर आ जा दीदी बोल लूँ छप्पन आठ कम आठ आठ सोलह ते चौबीस अच्छे पति चालीस अच्छी कैतालीस अठो चौसठ हाँ आठ सत छप्पन आठ निम तिरठ कहा गई भी अठो अठो चौसठ आठ निम तिरसठ आधम कल सबसे में ना 15 15 तक का टेबल दीदी आठ निम तिरसठ होते हैं क्या? 8 नीम 63 कितना होता है? 8 नीम 72 होता है। 72 इसे क्या बोले? 63 आज दीदी 8 नीम 8 हमारे सेलर तो 24 सच्चे पति और अच्छे करता है दीदी गलत सुना रहे कल सुनूंगी 15 15 तक याद करके हम सब सब दीदी 15 चलो जाओ चलो वर्णन का मतलब थोड़ा पैराग्राफ में लिखना और ये पेट्रोल का निर्माण किस प्रकार हुआ समझाइए। अरे रुक जाओ मेरे लिए काला पहनना हो तो नीले पे खेल लीजिए। ओहो कौन कौन गिरा मेरे से बटन दे रहा है वो निर्माण है मेरा पानी पड़ी देख देख रहे मतलब ये ड्रामा का देख रहे ना इसको।